देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूरश गौरी खबरों की शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी खबर के साथ इस वक्त खबरों की शुरुआत दंतेवाड़ा से। इस वक्त बड़ी खबर मिली सीआरपीएफ 195 के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी। पांडू करचम मेलावाड़ा ब्लास्ट का आरोपी गिरफ्तार हुआ। 2016 में इलाज के दौरान फरार हुआ था। बड़े गुड़गांव कनकी के पास इस पारा के पास इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो सीआरपीएफ 195 के जवानों ने 2016 में इलाज के दौरान फरार कैदी को गिरफ्तार किया है। बड़े गुडरा कान की पारा से ये गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्त में आया पांडू करचम मेलावाड़ा ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है। मेलावाड़ा ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हुए थे और आपको जानकारी दे दें कि 2016 में इलाज के दौरान ये अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा था। लंबे वक्त से 2016 से ही इसकी तलाश थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं पंकज सिंह भदौरिया, ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पंकज, कितनी देर पहले ये गिरफ्तारी हुई और इसकी गिरफ्तारी से क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? आपको बता दूं कि बेदी एक खतरनाक नक्सली है, करतम पांडू इसका नाम है। आज से 3 साल पहले भी पुलिस ने इसे पकड़ने में सफलता हासिल की थी। इलाज के दौरान दंतेवाड़ा जिला अस्पताल से फरार हुआ था और इसकी गिरफ्तारी कुआकोंडा थाना क्षेत्र के कांकीपाड़ा के जंगलों से बताई जा रही है। और ये जो करतम पांडू है, इसके ऊपर 7 जवानों की हत्या का आरोप है। तो 2014 में इसने सीआरपीएफ की एक गाड़ी को ब्लास्ट किया था, जिसमें 230 बटालियन के 7 जवान मेलावाड़ा के पास में शहीद हो गए थे। पुलिस इसको अपनी बड़ी सफलता मान रही है, क्योंकि करतम पांडू के पीछे लगातार पुलिस हाथ धोकर के पीछे पड़ी हुई थी। आज से 2 साल पहले फायरिंग में भी करतम पांडू घायल हुआ था, लेकिन पुलिस उस समय भी इसे पकड़ने में नाकामयाब रही। देखा जाए तो करतम पांडू ठीक बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका पंकज।